हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्राइहेलो डेरिवेटिव। ट्राइहेलो डेरिवेटिव में हम डिस्कशन करेंगे आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसे आपने सुना होगा ट्राइहेलो डेरिवेटिव में क्या हम जानेंगे। आपने कभी देखा होगा कि एक इंसान एक रुमाल पर एक लिक्विड सब्सटेंस को डालता है और उस रुमाल को दूसरे व्यक्ति के नाक के पास लेकर जाता है, तो आप देखते होंगे कि वह व्यक्ति क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। वह मूर्छित हो जाता है। आज हम उसी सबस्टेंस की बात करेंगे, उसी मटेरियल की बात करेंगे। आखिर वह कौन सा सबस्टेंस है जिसकी वजह से वह इंसान मूर्छित हो रहा है, और उसी सबस्टेंस की हम प्रिपरेशन प्रॉपर्टी और ढेर सारी प्रोसेस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं आज की अपने टॉपिक को, जिसका नाम है ट्राइहेलो डेरिवेटिव। तो ट्राइहेलो डेरिवेटिव की हम शुरुआत करेंगे। इस ट्राइहेलो डेरिवेटिव में सबसे फर्स्ट से शुरुआत करेंगे, जिसका नाम होगा ट्राइहेलो ट्राइक्लोरोमेथेन बोलेंगे, ट्राइक्लोरोमेथेन, या इसी को एक नाम से पुकारते हैं क्लोरोफार, क्लोरोफार, ट्राइक्लोरोमेथेन ओवर क्लोरोफार। तो हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। ट्राइहेलो डेरिवेटिव में हम आज की जो हमारा टॉपिक है वो क्लोरोफार्म है। आज हम क्लोरोफार्म पर ही डिस्कशन करेंगे। आखिर क्लोरोफार्म क्या है, क्लोरोफार्म एक ट्राइहेलो डेरिवेटिव है, इसमें क्या होता है, इसी पर आज हम शुरुआत करेंगे। क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म एक्चुअली क्या होता है, इट इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, इट इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इट इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन होता है। उसके साथ साथ देखिए, उसके साथ साथ केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला CHCl3 होता है केमिकल फार्मूला। IUPAC नेम क्या होता है, IUPAC नेम आप खुद देख पा रहे हैं, एक ही कार्बन है और एक ही कार्बन पर 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, इसलिए इसे क्या पढ़ते हैं, 111 ट्राइक्लोरोमेथेन, 111 ट्राइक्लोरोमेथेन। रहा नेक्स्ट बात, ये रही डिस्कवरी, इसकी जो डिस्कवरी थी लेविंग ने की थी 1831 में की थी, लेकिन इसका नाम क्लोरोफॉर्म किसने रखा, इसका नाम जो क्लोरोफॉर्म रखा था वो नाम था डूमास, इसका नाम था डूमास था, और डूमास ने इसका नाम तब रखा था जब क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलिसिस किया उसने लेबोरेटरी में, तो उन्होंने क्या पाया कि फार्मिक एसिड बन जाता है, क्या बन जाता है, फार्मिक एसिड। तो फार्मिक एसिड का जो फार्मेशन हो रहा है और हाइड्रोलिसिस के द्वारा, और जिस सब्सटेंस के द्वारा उसको हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, वो सब्सटेंस को नाम क्या रखा, क्लोरोफॉर्म। इसका मतलब क्लोरोफॉर्म का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, फार्मिक एसिड। नाउ नेक्स्ट होता है, एक सिम्पसन नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लोरोफॉर्म को किसमें यूज किया, एनेस्थेटिक, दैट इज आप कह सकते हैं मूर्छित करने की मेडिसिन में इसका उपयोग किया, किसने, सिम्पसन ने यूज किया। ये रहा एक जनरल इंट्रोडक्शन क्लोरोफॉर्म का। अब हम क्लोरोफॉर्म की शुरुआत करते हैं, चलो शुरुआत करते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम दिखा गया है क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर इन लेबोरेटरी बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विथ एथेनॉल ओवर स्टोन। ब्लीचिंग पाउडर और एथेनॉल ओवर स्टोन को जब क्या कहते हैं, लेबोरेटरी में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है क्लोरोफॉर्म। लेकिन ये क्लोरोफॉर्म ऐसे डायरेक्टली नहीं बन जाता, ये क्लोरोफॉर्म डायरेक्टली नहीं बन जाता, इसमें आप देख रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को एथेनॉल साथ हीट करने पर भी बनता है और स्टोन के साथ, तो हम वन बाय वन देखेंगे। चलो हम पहले शुरू करते हैं फ्रॉम इथेनॉल। क्या होता है, व्हेन ए पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज हीटेड विथ एथिल अल्कोहल और इथेनॉल देन क्लोरोफॉर्म इज ऑब्टेन। मतलब ब्लीचिंग पाउडर के पेस्ट को हम इथेनॉल से जब हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन होता है। बट ये प्रश्न ये होता है कि ये जो रिएक्शन होता है टेक प्लेस फॉलोइंग स्टेप, ये ऐसे अपने हिट कर दिया डायरेक्टली थोड़ी बनता है, इसके कई स्टेप होते हैं, उस स्टेप को हम देखते हैं, द रिएक्शन टेक प्लेस फॉलोइंग स्टेप। स्टेप फर्स्ट देख रहे हैं, क्या कह रहा, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ वाटर टू गिव क्लोरीन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब जो ब्लीचिंग पाउडर होता है जब रिएक्शन उसका वाटर के साथ होता है, तो पहले स्टेप में क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर को हम वाटर के साथ क्या कहते हैं, मिक्स करते हैं,
तो हमें क्या मिलता है, यह रहा ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। तो यहां पर जो बना हुआ है कंपोनेंट है, अब वो क्या करता है, जो क्लोरीन बना हुआ है वह क्लोरीन क्या होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग का भी काम करता है और क्लोरीनेशन का भी काम करता है, दोनों काम करता है ऑक्सीडाइजिंग और क्लोरीनेशन का। मतलब क्लोरीन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज क्लोरिनेटिंग एजेंट, फर्स्ट ऑक्सीडाइज इथेनॉल, पहले यही क्लोरीन क्या करेगा, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेगा, किसमें, एस्टल्डिहाइड में, किसमें करेगा, एस्टल्डिहाइड में, और फिर सेकेंड क्या करेगा, एस्टल्डिहाइड को क्लोरिनेट करेगा इंटू ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड में और क्लोरल में। चलो देखिए पहले क्या किया बताओ, पहले ये क्लोरीन जो बना हुआ क्लोरीन था, पहले क्या किया, ये क्लोरीन इथेनॉल को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज किया, क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, किसमें किया बताओ, ये ऑक्सीडाइज करता है किसमें, एस्टल्डिहाइड में, किसमें करता है, एस्टल्डिहाइड में। आप खुद देख पा रहे हैं यहां पर क्लोरीन, यहां पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इथेनॉल से बाहर जा रहा है, और हमें जानते हैं जब क्या होता है हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो यहां पर क्या हो रहा, ऑक्सीडाइज हुआ है। नाउ सेकंड कंडीशन आप देख रहे हैं क्या बना, एस्टल्डिहाइड, अब यही एस्टल्डिहाइड फिर क्या कर रहा है, क्लोरीन इसका क्लोरीनेशन कर दे रहा है, देखो क्लोरीन जुड़ रहा है, और क्लोरीनेशन होने पर इसको क्या बन गया बताओ, इसका नाम होता है ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरल, ये क्लोरल का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया सेकंड स्टेप में। नाउ थर्ड स्टेप में क्या होता है, यही ट्राइएस्टल्डिहाइड हार्डनाइज किया जाता है, अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है अब उसका इस्तेमाल करेंगे, क्लोरीन का इस्तेमाल तो हो चुका है, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, यही ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड का क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा, और जब इसका हाइड्रोलाइज करता है तो हाइड्रोलाइज करने पर हमें क्या मिलता है बताओ, यहां पर इसका हाइड्रोलाइज करेगा और क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा क्लोरोफॉर्म, जिसको हम लिख सकते हैं 2CHCl3, हम ऐसे लिख सकते हैं, अब प्लस क्या बन गया बताओ, ये कैल्शियम फार्मेट, ये क्या बना बताओ, कैल्शियम फार्मेट बन गया, ये आपका कैल्शियम फार्मेट बना। अब प्रश्न बनता है कैसे बना होगा, चलो ये कैसे बना होगा इसको भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ये कैसे बना होगा, देखो यहां पर देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको देखो बड़े में दिखा दे रहे हैं, इसको देखो मैं ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका क्या है Cl, ये भी क्या है Cl, ये भी क्या है Cl, यहाँ पे क्या है COO और H, लिख सकते हैं बताओ। नाउ नेक्स्ट आप हमने क्या लिखा, कैल्शियम के साथ एक मोल क्या है OH, हाइड्रोलाइज का मतलब आप सभी जानते होंगे कि ब्रेकिंग होना, क्या करना, ब्रेकिंग करना, यहाँ पे हम दो मोल का इस्तेमाल करेंगे, कितने मोल का इस्तेमाल करेंगे, दो मोल का इस्तेमाल करेंगे, अगला भी क्लोरीन होगा, ये भी आपका क्लोरीन है, ये भी क्या है क्लोरीन है, ये COO और क्या है H, देखिए होता क्या, इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोक्साइड ब्रेक करेगा, जब हाइड्रोक्साइड ब्रेक करेगा यहाँ पे देखो ये ब्रेकिंग होगी, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा माइनस, और ये क्या बनेगा प्लस, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा क्या होगा माइनस, ये क्या होगा प्लस, तो बताओ प्लस वाला माइनस साथ हो जाएगा, अब यहाँ पर ब्रेकिंग क्या होगा माइनस, और ये क्या होगा प्लस, यहाँ पर ब्रेकिंग होगी, तो कुल मिलाकर ब्रेकिंग हो जाएगी। अब बताओ ये प्लस जा रहा है, ये प्लस, प्लस साथ कौन जाएगा माइनस, तो आप खुद देख पा रहे हैं प्लस वाले के साथ कौन जा रहा है, माइनस साथ हाइड्रोजन जा रहा है, तो बताओ यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, कितना सीजन, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ऐसे कितने मोल बनेंगे बताओ, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, आपका सी हो जाएगा, ये भी सीएल, ये भी क्या है सीएल है, ये भी सीएल, ये भी क्या है, ये छह, कितने मोल क्लोरोफॉर्म बने बताओ, टू मोल क्लोरोफॉर्म बन गए, कितने मोल बताओ, टू मोल क्लोरोफॉर्म बन गए। अब बताओ अगला प्रश्न जो आपको मिला, अब अगला प्रश्न आप देख सकते हैं बचा क्या बताओ, ये क्या है बताओ, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पर भी क्या है प्लस है, बताओ ये दोनों कंपोनेंट किससे जुड़ जाएंगे, ओ माइनस ओ माइनस, तो बताओ कितने हो जाएंगे बताओ, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहते ऐसे लिख सकते हैं, सिंपली भाषा में देख लो, सी है ओ है, यहाँ पे कौन आ गया सी ओ और एच हो गया, और यहाँ पर भी क्या है ओ है सी ए और ओ एच, इसी को हम क्या पढ़ते बताओ, कैल्शियम फॉर्मेट पढ़ते हैं, इसको शॉर्ट में ऐसा लिखा गया, कैल्शियम फॉर्मेट पढ़ते हैं, इसको शॉर्ट में ऐसा लिखा गया, आप देख सकते हैं, आप इसको फिर से एक बार देख सकते हैं, देख लो जब हमने क्या किया बताओ, ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड का हाइड्रोलाइज किया, बताओ ये सिंपल तरीका होता है कैसे इसका हाइड्रोलाइज करते हैं, बताओ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक मोल है, लेकिन क्या बताओ जो ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड है वो कितने मोल, दो मोल का, इसका हमने क्या कर दिया हाइड्रोलिसिस कर दिया, हमें क्या, हमने क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन बताओ ये कितने स्टेप में गया, थ्री स्टेप में गया, एक बार फिर से देखते हैं आखिर ये क्या करता है, एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से इसको देखिए क्या कर रहा है बताओ, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट किया किसके साथ, वाटर था, क्या बना क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब पहले क्या करिए, क्लोरीन जो है वो दो काम करता है, एक क्या करता है कि एल्कोहल को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, किसमें, एस्टल्डिहाइड में, और दूसरा क्या करता है, क्लोरीन जो एस्टल्डिहाइड बनता है उसका क्लोरीनेशन कर देता है, किसमें, ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड में, जिसको हम लोग क्लोरल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोरल। और नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यही जो क्लोरल होता है या ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड जो होता है उसको
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोलाइज कर देता है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाता है, क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन हो जाता है। अब नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो इथेनॉल से हो गया, चलो नेक्स्ट बात करते हैं स्टोन। फ्रॉम स्टोन, देखो स्टोन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, स्टोन में बस वही प्रोसेस होगा कि ब्लीचिंग पाउडर वाटर से रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनेगा। लेकिन इसमें जो होता है, जो स्टोन होता है, इसमें जो क्लोरीन होगा वो पहले क्लोरिनेशन करेगा। इसमें बस एक स्टेप नहीं होता ऑक्सीडेशन, इसमें स्टोन का क्लोरिनेशन होता है, स्टोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्योंकि यहां पर ये खुद कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन उसमें क्या था, एल्कोहल को पहले ऑक्सीडाइज करके कार्बोनिल मिलाया गया था। अब इसमें क्या है, स्टोन खुद का एक कार्बोनिल कंपाउंड है। अब ये स्टोन क्या करता है, जब हमें कार्बोनिल मिल चुका है तो हम उस कार्बोनिल का डायरेक्ट क्या करेंगे, क्लोरिनेशन करेंगे। जैसे इसका क्लोरिनेशन करेंगे तो बताओ कितने मोल क्लोरीन का इस्तेमाल किया गया, 3 मोल, और यहां पर 3 मोल क्या निकलेंगे, 3HCl बाहर हो जाएंगे। और ये हमें जो मिला है इसका नाम है ट्राइक्लोरो, क्या है इसका नाम, ट्राइक्लोरो एसीटोन। अब फिर वही चीज होगा जैसे हमने क्या पढ़ा था, बताओ ट्राइक्लोरोस्टाल्डिहाइड था, बोलो था कि नहीं, उसका क्या किए थे, हाइड्रोलिसिस किए थे, किसके द्वारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्वारा। तो फिर वही करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, एकदम सिंपली वर्ड में देख ले, वही चीज होगा, इसके साथ कौन जाएगा, हाइड्रोजन, बोलो जाएगा नहीं, बताओ हाइड्रोजन के साथ जाएगा, इसके भी साथ कौन जाएगा, हाइड्रोजन, और ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जाएगा। बताओ आपको कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे नहीं, बताओ 2 मोल हो जाएंगे नहीं, बताओ। अब इसी को हम जल्दी लिखना चाहे, बताओ इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, ये हो जाएगा COO, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पर O हो जाएगा COO और CH3, बोलो इसी को हम लिखे, इसी को हम बोलते हैं क्या, कैल्शियम एस्टेट, क्या बोलेंगे बताओ, कैल्शियम एस्टेट, जिसको हमने शॉर्ट में लिखा कैल्शियम एस्टेट होता है। ये फ्रॉम स्टोन्स हो गया। नाउ नेक्स्ट मेथड देखते हैं, नेक्स्ट मेथड फ्रॉम क्लोरोहाइड्रेट। फ्रॉम क्लोरोहाइड्रेट से क्या होता है, प्योर क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। मतलब अगर प्योर क्लोरोफॉर्म बनाना है तो इसको लेकर आओ क्लोरोहाइड्रेट को। क्लोरोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, ये क्लोरल है, इसके साथ वाटर लगा हुआ है, इसका क्या कर देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन कराते हैं हमें मिल जाता है CHCl3, जिसको मैंने लिखा है HCCl3, तो ये हमारा मिलता है, और सोडियम फॉर्मेट मिलता है और H2 मिलता है। ये जो मिलता है ये प्योर होता है, क्या होता है, प्योर। रहा प्रश्न, क्लोरोहाइड्रेट को एक दूसरे फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, क्लोरोहाइड्रेट को देखो ये दूसरा फॉर्म होता है, ये क्लोरोहाइड्रेट इस फॉर्म लिखा जाता है, और ये अपने स्ट्रक्चर को इस फॉर्म रखता है, एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अभी तक आपने देखा होगा एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं रह सकते, अनस्टेबल होता है, लेकिन एक ऐसा कंपाउंड है क्लोरल, ये क्लोरोहाइड्रेट एक ऐसा कंपाउंड है, क्लोरोहाइड्रेट एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, और वो स्टेबल होता है। उसका रीजन होता है कि ये जो OHH होता है और ये माइनस, यहां पर क्या होता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन बीच क्या होता है, इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है,